जोड़ों का दर्द है, हाथों में पैरों में कोई भी दर्द है, तो पीछे के जो चैनल है सभी उंगलियों के पीछे, ये सारे चैनल बहुत जरूरी हैं। ये ऐसे 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 करके ये दबाएं और इनके पीछे से भी दबाएं, यहाँ से नाखून से लेकर के उसके पीछे तक ये पूरा चैनल है दोनों तरफ। तो जोड़ों का दर्द और साथ में स्पाइनल कोड, हड्डी का दर्द, रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कोड हमारी पैराफेरल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरा, तो ये पीछे से। और इसमें भी जो रिंग फिंगर है उसमें अंगूठी इसीलिए नहीं पहनाते, वो भी एक एक्यूप्रेशर की पद्धति है, पीछे से यहाँ से ये दबाएं और ये पीछे के चैनल दबाएं। तो हाथ का कोई भी दर्द, यानी यहाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो ये पीछे के ये पॉइंट दबाएं, और कमर में है तो यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, और सिर में भी दर्द है तो यहाँ से दबाएं, और सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन है तो यहाँ से भी दबा दें, अंगूठे के बाहर की ओर ये हड्डी है यहाँ से ऐसे इसको दबा दिए। सारे पॉइंट दबाने के बाद किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं, और ऐसे ही दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे। और एकदम से जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, घुटनों में डिजनरेशन, एड़ी का दर्द है तो एड़ी के भी दोनों तरफ से पॉइंट दबाएं, ऐसे 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 ये पॉइंट दबाया जाता है दोनों तरफ से, ये पॉइंट ऐसे। और फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो फिर ये पॉइंट दबाया जाएगा यहाँ पर दोनों ही पैरों में, ये यह जो पॉइंट है इसको दबाया जाता है ऐसे, जबरदस्त है, माने दबाते ही लंगड़ा लूला आदमी भी चलने लग जाता है, इतना जबरदस्त इससे फायदा होता है। तो ये कमाल है स्वामी जी, ये पॉइंट बताया स्पाइनल कोड के लिए, ये पॉइंट बताया हड्डी टखने के दर्द के लिए, ये पीछे ये पॉइंट बताया सारे, यहाँ पैर से लेकर के घुटने से लेकर के कमर तक के लिए पीछे के ये पॉइंट है ये। और फिर नीचे से ये इनके ऊपर भी ऐसे दबाना, और इनके यहाँ देखो ये पैर में भी, ये जो छोटे उंगली के पास वाले उंगली, इसके टॉप पर इसके मूल में दबाना।